तमिलनाडु के कन्नूर में ये बड़ा हादसा हुआ था। वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें CDS बिपिन रावत की हादसे में निधन हो चुका है। और ऐसे में आपको बता दें, लगातार दुआओं का दौर चल रहा था। दोपहर से ही जब ये जानकारी मिली थी, तब से ही हर कोई उनकी सलामती की और उनकी अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहा था। लेकिन ऐसे में बिपिन रावत का आपको बता दें, इलाज अस्पताल में चल रहा था, लेकिन उनकी हालत गंभीर लगातार बनी हुई थी। तो ऐसे में इस वक्त की बड़ी और बेहद दुखद जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि CDS बिपिन रावत का इस हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि कितना भयानक ये हादसा था, किस तरह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हालांकि आपको बता दें कि 14 लोगों की इसमें जान गई थी, तो ऐसे में अब तक पुष्टि हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं बिपिन रावत के नाम पर पुष्टि नहीं की जा रही थी। तो ऐसे में अब खबर मिल रही है कि बिपिन रावत का निधन हो चुका है। और डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल जी, बेहद दुखद खबर ये, कहीं ना कहीं देश के लिए भी जो है हर कोई दुआ कर रहा था कि बिपिन रावत जो है वो ठीक हो जाए, गंभीर हालत उनकी बनी हुई थी, लेकिन कितना बड़ा लॉस ये है प्रफुल्ल जी। आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, शायद प्रफुल्ल जी तक संपर्क नहीं हो पा रहा है। संपर्क नहीं हो पा रहा है मेरे पास में। हेलो जी प्रफुल्ल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मिल रही है, मैं बात कर रहा हूँ आपसे जी। प्रफुल्ल जी, मेरे को आवाज नहीं आ रही थी। कितना बड़ा ये लॉस हम इसको समझ सकते हैं, किस तरह से आप बताएंगे? देखिए, ये देश के लिए बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ा नुकसान है जी, और पूरी फौज के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए और देश के लिए, क्योंकि CDS ये इन्होंने अपने बहुत कार्य कुशलता से अपना कार्यभार संभाला और देश को इनकी बहुत जरूरत थी। बहुत उन्होंने प्लानिंग करी, थिएटर कमांड बना है, सब कुछ किया, तो अब इनका जो इनका अभाव मिले लगेगा हमें, इनका जाना बहुत अखरेगा। और हमें हमारे को इनकी इनके परिवार से पूरी सहानुभूति है, और जितने और शहीद साथ में हुए हैं सबके परिवार से सहानुभूति है। पर ये देश के लिए बहुत बड़ा हादसा है, पर देश की फौजों का जो है कि नियम है, उनका ट्रेडिशन है कि वो हिम्मत को पस्त नहीं होने देंगे और कार्य जो है, द बैटल विल गो ऑन, वर्क विल गो ऑन, द न्यू CDS विल कम एंड द फ्लैग विल कीप फ्लाइंग। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं अभी तक जो है वो ये जानकारी मिल रही थी कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, लेकिन गंभीर स्थिति में जो है बिपिन रावत थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई, ऐसे में जब देखिए हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसके बाद ये जो है सवाल उठने लगे कि आखिर ये तकनीकी खराबी कैसे अचानक से हो गई। देखिए, तकनीकी खराबी अचानक से ही होती है, कोई बता के नहीं आती। तो ये लोग जो कहते हैं उनको, ये उनको पता नहीं है, ये फ्लाइंग मशीन है और जब मर्जी जब फेल होता है मशीन की, कोई हादसा हो गया, फर्ज करो ये जैसे केबल से टकरा गया होगा, ये तो किसी को पता नहीं, लाइटनिंग स्ट्राइक हो गई हो ये पता नहीं, किसी को आग लग गई हो ये पता नहीं है। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जब होगी तब पता चलेगा। और ये जो धारणा लेके बैठे हैं कि मॉडर्न एयरक्राफ्ट के क्रैश नहीं होते, ये बिल्कुल गलत है जी। ये चांसेस ऑफ, बिल्कुल प्रफुल्ल जी, ये बातें भी सामने आ रहे हैं कि MI-17 को काफी सुरक्षित विमान भी माना जाता है, हेलीकॉप्टर काफी अच्छा माना जाता है, इसीलिए इस तरह के सवाल सामने आ रहे थे। बिल्कुल सुरक्षित बेहद माना जाए, पर ये कोई नहीं कह सकता कि इसका एक्सीडेंट नहीं होगा, भगवान भी नहीं कह सकते। तो ये बार मान के चलिए कि अगर एक्सीडेंट हुआ है, किसी टेक्निकल खराबी के कारण हुआ है, और तकनीकी खराबी क्या है इसका अब पूरी जानकारी हासिल होगी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होगा, कॉकपिट और वो और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होगा, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर एंड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के स्टडी के बाद में, और एयरक्राफ्ट एयर एक्सीडेंट बोर्ड बैठेगा उसके बाद में। मैं एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड का मेंबर रह चुका हूँ, मैंने 32 क्रैशेस इन्वेस्टिगेट किए हैं, मुझे पता है कि कितना टेक्निकल और तकनीकी के साथ काम होता है, पर कोई भी जहाज क्रैश हो सकता है, ये बात मान के चलिए। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, लेकिन अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि आपको क्या लगता है कि क्या कुछ उस समय खराबी हुई होगी या क्या कुछ उस समय परिस्थिति बनी होगी जब ये क्रैश हेलीकॉप्टर हुआ होगा? देखिए, क्या तो इसमें इंजन फेलियर हो सकता है जी, अगर आग लगी हो, रोटर फेलियर हो, अगर रोटर फेलियर हो जाता है, इंजन फेलियर होता है
तो एयरक्राफ्ट फोर्स लैंड कर सकता है ऑटो रोटेट करके। पर ये इस टेरेन में जहाँ पे पहाड़ियां हैं, ऊंची नीची और ढलाने हैं, पेड़ हैं, तो जहाज किसी चीज से टकरा सकता है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। फिर दूसरा ये है हाइड्रोलिक फेलियर, ऑयल में आग लग जाना, ये हो सकता है, एक्सप्लोजन हो जाना, बैटरी एक्सप्लोड कर सकती है, और किसी ने सेबोटाज किया हो ये भी हो सकता है, ग्राउंड से किसी ने मिसाइल से फायर किया हो ये भी हो सकता है। नथिंग कैन बी रूल्ड आउट, इसमें सेबोटाज कैन नॉट बी रूल्ड आउट इज अ कॉलम जो हम इसको स्टडी करते थे। और ये मत मान के चलिए कि नहीं हो सकता, हो सकता है और कई बार हो चुका है। बिल्कुल प्रफुल जी, मशीनें हैं, कभी भी धोखा दे सकती हैं, ऐसा नहीं है मशीनों पर पूरा भरोसा हम नहीं कर सकते। अगर प्रफुल जी मैं बिपिन रावत की व्यक्तिगत तौर पर बात करूं तो वो असल जिंदगी में देखिए कहा जाता था कि उनका लगाव लोगों से काफी था और कहीं ना कहीं लोगों में उनकी पकड़ भी बहुत ज्यादा थी। आप उन्हें किस तरह से व्यक्तिगत रूप में जानते थे, कुछ एक मेमोरी उनके साथ आपकी रही हो जो? हाँ, मेरे पास है, मैं बिपिन रावत को अच्छी तरह जानता था, ये मेरे जूनियर थे और एनडीए में भी मेरे जूनियर थे, मैंने इनको देखा था। बाद में मैं जब कमीशन ले ली थी तो मैं मिलने गया था, इनके फादर भी मेरे जान पहचान के थे और साउथ ब्लॉक में थे, तो मैं अच्छी तरह बिपिन रावत साहब को जानता हूँ। और बहुत उमदा किस्म के, बहुत ही मिलनसार प्रोफेशनल और बहुत ही उच्च कोटि के इंटीग्रिटी के ऑफिसर थे, जिसको भारत को इनसे नाज था। और इसीलिए इनके फादर भी जनरल थे, ये भी वाइस चीफ थे, ये भी जनरल हैं, तो इनका फैमिली ट्रेडिशन था, बहुत हाई स्टैंडर्ड था इनका। तो आप मान के चलिए कि भारत को ये नुकसान बहुत ही महंगा पड़ रहा है, पर हमको अपनी गाड़ी जो है आगे चलेगी, भारत की प्रगति होती रहेगी, फौज आगे चलती रहेगी, पर इनकी यादगार सब में रहेगी, इनके सिखाए, इनके बनाए रास्ते पे सब चलन करेंगे। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, अगर आपकी बात करूं तो मैं आखिरी बार आपके बिपिन रावत से कब बातचीत हुई थी, कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप बेहद खास उनके करीबी रहे हैं? प्रफुल्ल जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ यहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए थे, जो लगातार बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे कि कितने करीब वो बिपिन रावत के थे, और ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि भारत के लिए बहुत बड़ा लॉस है और आज का दिन जो है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बहुत बड़ा लॉस साबित हो सकता है, क्योंकि तकनीकी खराबी की वजह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था तमिलनाडु के कुन्नूर में, ये बड़ा हादसा हुआ था दोपहर 12:40 के करीब, जहां पर वायुसेना का MI-70V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। आपको बता दें जिसमें CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी भी उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। हालांकि उनकी पत्नी के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है कि कैसी उनकी हालत है, लेकिन हाँ, CDS बिपिन रावत की मौत की पुष्टि हो चुकी है कि उनका निधन हो गया है, क्योंकि दोपहर से ऐसी खबरें आ रही थी कि बिपिन रावत की हालत जो है बेहद गंभीर है। हालांकि इससे पहले आपको बता दें कि कई आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो चुकी थी कि 14 लोग हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, जिसमें से 13 लोगों की जान चली गई थी, पुष्टि पहले ही हो चुकी थी, लेकिन बिपिन रावत के नाम पर कहीं ना कहीं जो है कयास ये लगाए जा रहे थे कि हो सकता है उनकी हालत गंभीर है, लेकिन हर कोई ये दुआ कर रहा था, हर कोई ये प्रार्थना कर रहा था कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए, लेकिन उसके बाद अब पुष्टि हो चुकी है, आधिकारिक तौर पर ये कह दिया गया है कि बिपिन रावत अब नहीं रहे हम सबके बीच और इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि लगातार जो है ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से आप भी देख सकते हैं, बहुत भयंकर ये हेलीकॉप्टर में आग लगी थी जिसके बाद ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। हालांकि कुछ देखिए अगर स्थानीय लोगों की बात की जाए तो स्थानीय लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि आग बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और आग पहले से ही हेलीकॉप्टर में लग गई थी जिसके बाद ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो है वो एक सही बयान का इंतज़ार किया जा रहा है। ये पुष्टि तो कर दी गई है कि बिपिन रावत नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उस बयान का भी इंतज़ार किया जा रहा है जो संसद में राजनाथ सिंह भी देंगे, कि क्योंकि आपको बता दें राजनाथ सिंह आज संसद में बयान देने वाले थे इस पूरे हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर के किस तरह से क्या कुछ हुआ, लेकिन अब जो है शाम को 6:30 यानी कि अब से कुछ ही देर बाद CCS की बैठक भी प्रधानमंत्री आवास पर बुलाई गई है, और ऐसे में अब सरकार की तरफ से इस पूरी घटना को लेकर कल संसद में बयान जो है वो दिया जाएगा, लेकिन ऐसे में इस वक्त की ये बहुत ही दुखद खबर जो है वो सामने आ रही है।
तो ऐसे में देखिए बिपिन रावत ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है और बेहद दुखद ये खबर है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे डिप्टी एडिटर लाइव हमारे साथ कावेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। कावेंद्र देखिए ये बहुत दुख की बात तो है कि कहीं ना कहीं सीडीएस बिपिन रावत ने जिस तरह से अचानक से किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह से वो हमें अलविदा कहकर चले जाएंगे। पारुल आज ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ी और सबसे दुखद खबर है। पारुल आपको बता दूं कि सुबह 12:10 जब ये खबर निकलकर सामने आई कि एक विमान जो है वो क्रैश हुआ है, एक हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ है, जिसके बाद लगातार अटकलें लगाई जाती रही। पहले जो संख्या थी वो 4 से 5 बताई गई, लेकिन बाद में स्पष्ट हो सका पारुल कि ये संख्या दरअसल 14 है। 14 में कौन कौन थे? सबसे बड़ा चेहरा सीडीएस विपिन रावत साहब का, इनका नाम आया। इनकी जो वाइफ थी वो भी उसी हेलीकॉप्टर में सवार थी। इसके साथ 2 ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी भी सवार थे जो उनके स्टाफ के ही थे। इसके अलावा एक हवलदार भी सवार था और बाकी 2 पायलट की भी बात की जा रही है। ऐसे में सबसे पहले बताया गया कि 2 लोगों के शव मिले हैं, इसके बाद 4 का जिक्र किया, फिर उसके बाद से लगातार ये निकलकर सामने आ रहा था कि 14 में से 13 लोगों के जो शव हैं वो अभी तक मिल चुके हैं। लेकिन इसके बाद एक चीज जो सामने आई वो ये आई कि 13 लोगों के शवों का डीएनए कराया जाएगा और उससे उनकी पहचान की जाएगी। तभी से ये चीज निकलकर सामने आ गई थी कि कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना अब हो चुकी है। पूरे देश में दुआओं का दौर जारी था, हर कोई कह रहा था कि सीडीएस विपिन रावत के साथ साथ जितने भी लोग उस हेलीकॉप्टर में सवार थे सभी बच जाएं और लगातार ईश्वर से यही प्रार्थना की जा रही थी। लेकिन इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर और सबसे दुखद खबर ये है कि विपिन रावत साहब अब नहीं रहे। आपको बता दूं कि म्यांमार में जो बॉर्डर में जो लड़ाई हुई थी, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसका श्रेय भी विपिन रावत साहब को जाता था। इसके अलावा जो सर्जिकल स्ट्राइक जितनी भी हमारे देश में भी हुई उन सभी का श्रेय विपिन रावत साहब को ही जाता था। आपको बता दूं पारुल कि कारगिल के बाद से लगातार इस चीज की मांग उठ रही थी कि तीनों जो सेनाएं हैं उनके ऊपर एक कमांडर होना चाहिए, एक उनके ऊपर लीडर होना चाहिए। इसके बाद 3 साल के कार्यकाल के लिए विपिन रावत साहब को सीडीएस बनाया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया। लेकिन दुख की बात यह है कि वो सिर्फ अपने 2 साल का कार्यकाल ही पूरा कर सके, 1 साल का कार्यकाल अभी भी उनका बाकी था पारुल। और लगातार वो पूरी तरह से एक्टिव थे, सेना को मजबूत करने का काम कर रहे थे और लगातार चर्चाएं हो रही थी कि सीडीएस बनाने की जरूरत क्या थी, लेकिन इसके बावजूद वो बने और उन्होंने हमारी सेना को मजबूत किया पारुल। बिल्कुल कावेंद, और देखिए लगातार इसीलिए अब जो है श्रद्धांजलि देना शुरू कर दी गई है। बड़े बड़े तमाम नेता, राजनाथ सिंह की तरफ से भी ट्वीट किया गया है और हर कोई श्रद्धांजलि दे रहा है। और देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर और चीज़ हो, कई ऑपरेशंस में उनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। तो इसीलिए अगर हम लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन भी बिपिन रावत का आम जनता से बन गया था। इसीलिए जो है दोपहर से जब ये जानकारी मिली कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसमें बिपिन रावत भी मौजूद थे, उनकी पत्नी भी मौजूद थी, तो उसी के बाद से ही दुआओं का दौर जो है वो शुरू हो गया था उनके लिए। बिल्कुल पारुल, विपिन रावत साहब जो थे वो पीपल्स लीडर कहे जाते थे, वो आर्मी के एक ऐसे अध्यक्ष थे, आर्मी का उनको लीडर कहूंगा, अध्यक्ष कहूंगा, वो एक ऐसे सेनापति थे जिनके लिए कहा जाता है कि वो लोगों से काफी संवाद करते थे, लोगों से काफी बातचीत करते थे। और भारत में ऐसा शायद ही कोई हो जो उनको जानता ना हो। अजीत डोभाल साहब की बात करूंगा, वो भी उनके करीबी थे, राजनाथ सिंह साहब रक्षा मंत्री वो भी उनके करीबी थे और जितने सेना के जितने अधिकारी थे सब उनसे बातचीत कर सकते थे, संवाद पूरा कनेक्शन। कावेंद्र, कावेंद्र आप मेरे साथ बने रहिए, यहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट केजी बहल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केजी बहल जी, आपका स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। लेकिन देखिए जिस तरह से ये जानकारी मिल रही है कि बिपिन रावत अब इस दुनिया में नहीं है, हमें छोड़कर चले गए हैं, इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, कितना बड़ा लॉस ये है? ये बहुत दुख की बात है, खासतौर से फौज के लिए, तो क्योंकि इन्होंने जैसे सीडीएस बने हैं, कई ऐसे कार्य किए हैं, पहले चीफ ऑफ स्टाफ भी किए, लेकिन सीडीएस बनने के बाद में कई ऐसी चीजें की है इन्होंने जिसको हमेशा याद रहेंगी। और ऐसे कार्य करने के लिए बड़ी हिम्मत की बात होती है, बहुत हिम्मत वाले थे, बहुत मतलब हर कार्य में आगे बढ़ने वाले थे। तो ऐसे आप व्यक्ति का ऐसे ऑप्शन का चले जाना बहुत दुख की बात है। ये तो अचानक ही ऐसा होना और वो भी हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट में, ये बड़े दुख की बात है, सभी को बहुत दुख है इसमें। बिल्कुल केजी बहल जी, लेकिन देखिए जिस तरह से किसी ने नहीं सोचा था कि अचानक से एक दिन ये खबर आएगी कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और शाम होते होते वो खबर जो है और ज्यादा बेहद बुरी खबर में तब्दील हो जाएगी कि बिपिन रावत नहीं रहे। अगर मैं आप में देखिए व्यक्तिगत तौर पर बात करूं तो व्यक्तिगत तौर पर वो किस तरह से थे, कैसे व्यक्ति वो थे? देखिए मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे मिला हुआ हूं, काफी देर से बातें होती थी, कई चीजों पर बातें होती थी, तो वो एक बहुत ही सर सिंपल आदमी थे, ऐसे नहीं थे कि बात नहीं करने किसी से। मैं जब यहाँ पर चीफ ऑफ स्टाफ, जब ये यहाँ पर चीफ थे, देहरादून आते रहते थे, कई बार हमारी बातें हुई उनसे, तो ऐसा नहीं,
तो वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका की हर जानकारी रखते थे और आगे उसको बढ़ाने का प्रयास करते थे। उनके जाने से बहुत बड़ा लॉस है आर्मी को और देश को पूरा लॉस है। हम उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और उनकी धर्मपत्नी भी साथ गई है, उन्हें भी ये भी एक बड़े दुख की बात है। वो भी बड़ी मतलब ऐसे स्वभाव सर स्वभाव की थी, रास्ता बड़ा अच्छा लगता था जी। उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, यही हम प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल केजी बैल जी, और देखिए अब जो इस पूरे मामले को लेकर अब जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, तो आपसे समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि इस पूरे जो हेलीकॉप्टर ये क्रैश हुआ है, किस तरह से अब जांच आगे बढ़ाई जाएगी, किस तरह से जांच की जाएगी इस पे? ठीक है, जांच तो करानी हर बार होती है, जांच होती है, लेकिन ये है कि हादसा हुआ क्यों, थोड़ा जब मालूम होता है कि जब ये मौसम ठीक नहीं है, यहाँ पर